Welcome to AnthroWord Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic cultural materialism, जिसको कि मैरविन हैरिस ने दिया था. और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक प्रीमाइजेस के बारे में, मेथडोलॉजी के बारे में, अकम्पलिसमेंट्स के बारे में और इसके क्रिटिसिजम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कल्चरल मटेरियलिज्म का इंट्रोडक्शन. तो कल्चरल मटेरियलिज्म जो है वो बात करता है अबाउट द चेंज इन द कल्चर बिकॉज ऑफ चेंज इन द मटेरियल लाइफ ऑफ द पीपल. तो जब लोगों के मटेरियल लाइफ में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से कल्चर में भी चेंज होता है और ये बात कल्चरल मटेरियलिज्म कहता है. यह थ्योरी डेवलप किया गया था मैरविन हैरिस के द्वारा उनकी बुक द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में इन 1968 में. अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो कल्चरल मटेरियलिज्म जो है वो एक रिएक्शन है अगेंस्ट द कल्चरल रिलेटिविज्म, आइडियलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में. अब कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है? तो एक आइडिया होता है कि एक पर्सन का बिलीफ और प्रैक्टिस जो है उसके बेस पे उस इंसान के अपने कल्चर को समझना चाहिए, ना कि किसी और कल्चर के यहाँ पे उस कल्चर को समझना चाहिए. आइडियलिज्म क्या होता है कि यह ह्यूमन बिलीफ्स, आइडियाज़ और वैल्यूज़ को मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर मानता है किसी भी कल्चर को सेव करने के लिए. स्ट्रक्चरलिज्म जो है कल्चर को एज ए सिस्टम देखता है जो कि एनालाइज करता है इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्चर रिलेशन अमंग देयर एलिमेंट्स. तो यह कल्चर को एक सिस्टम मानता है जो कि एनालाइज करता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर रिलेशन अमंग देयर एलिमेंट्स. अब हम इसके बेसिक प्रेमाइजेस को डिस्कस करते हैं. तो कल्चरल मटेरियलिज्म का एम जो होता है हैरिस के हिसाब से टू क्रिएट पैन ह्यूमन साइंस. तो एक पैन ह्यूमन साइंस क्रिएट करना ऑफ द सोसाइटी ऑफ मैन हुज फाइंडिंग्स कैन बी एक्सेप्टेड, जिसकी फाइंडिंग्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड एविडेंशियल ग्राउंड्स. तो यहाँ पे लॉजिकल और एविडेंशियल ग्राउंड्स की बात की जा रही है जो कि एक्सेप्ट किया जाए बाई द पैन ह्यूमन कम्युनिटी. यह पूरे ही ह्यूमन कम्युनिटी के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाए. इसका एम है टू एक्सप्लेन द सोशियो कल्चरल चेंज. इसका एम है कि सोशियो कल्चरल चेंज को एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द मटेरियल कल्चर. तो मटेरियल कल्चर के चेंज के बेस पे, जैसा कि प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन डोमिनेट करता है अदर सेक्टर्स ऑफ कल्चर में, जैसे कि जो वीमेंस का रोल था पोस्ट वॉर यूएसए में. अब इसके मेथडोलॉजी को डिस्कस करते हैं. तो यह फोकस करता है उन एंटिटीज़ और इवेंट्स पे जो कि ऑब्जर्वेबल और क्वांटिफिएबल हैं, जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है और जिनको क्वांटिफिएबल मींस जिनको काउंट किया जा सकता है एंड कैन बी स्टडीड यूजिंग द ऑपरेशंस. और उन ऑपरेशंस को यूज़ करके इनका स्टडी किया जा सकता है जो कि रेप्लिकेट हो सकते हैं, जिन्हें दोहराया जा सकता है. इट सीक्स टू एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी एंड आइडियोलॉजिकल एंड द सिम्बोलिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. तो यह एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट किसका, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का, और आइडियोलॉजिकल और सिम्बोलिक एस्पेक्ट सोसाइटी का, जो कि रिजल्ट होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स रिलेटिंग टू द बेसिक आइडियोलॉजिकल नीड्स ऑफ अ सोसाइटी. तो ये किसी सोसाइटी के बेसिक आइडियोलॉजिकल नीड्स के वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है. मटेरियलिस्ट के हिसाब से सोशियो कल्चरल सिस्टम को डिवाइड किया जा सकता है तीन पार्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिस होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं फॉर एक्सपेंडिंग और लिमिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द बेसिक रिसोर्सेज, जो कि एक्सपेंडिंग या लिमिटिंग के लिए किसके, बेसिक रिसोर्सेज के प्रोडक्शन में, जैसे कि क्लॉथिंग, फूड या शेल्टर के लिए. स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो यह कॉन्स्टिट्यूट करता है डोमेस्टिक एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी को. अब डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, क्या इंक्लूड करता है, फैमिली स्ट्रक्चर को, डोमेस्टिक विजन ऑफ लेबर को, एज को और जेंडर रोल को. और पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होता है, यह इंक्लूड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्लास को, कास्ट को, पुलिस को और मिलिट्री को. सुपर स्ट्रक्चर को देख लें
तो ये इंक्लूड करता है फिलोसफी, आर्ट, म्यूज़िक, रिलीजन, आइडिया, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गेम्स, साइंस और वैल्यूज़ को। तो स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, और यदि कोई भी चेंज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है तो यह स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में भी चेंज क्रिएट करेगा, जैसा कि ह्यूम प्रोहिबिशन होता है कैटल्स को मारने के लिए। अब हम इसके अकम्प्लिशमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो यह एंथ्रोपोलॉजी को मोर साइंटिफिक बनाता है और इसके कल्चरल चेंज को स्टडी किया जा सकता है क्रॉस द ज्योग्राफी एंड द टेम्पोरल बाउंड्रीज। इसके क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं, तो मार्क्सिस्ट के द्वारा इसको वल्गर मेटेरियलिज्म बोला गया, और स्ट्रक्चरलिस्ट और आइडियलिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया कि यह एटिक व्यू रखता है मेटेरियलिज्म का, मीन्स कि एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव रखता है। तो ये था क्रिटिसिज्म। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।